और दिल्ली से बड़ी खबर है। पटाखों ने एक बार फिर से धुएं की हवा को जहरीला बना दिया है। बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब है, 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हुई है वायु। आज हालात और बिगड़ने के आसार है। बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी दिवाली के दिन हुई है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। धड़ाम धड़ाम करते पटाखे, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले को अपनी आवाज से हिलाते पटाखे। दिल्ली में रोक के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसी गली नहीं जहां पटाखे ना चले हों। धुआं धुआं कर दिया आतिशबाजी करने वालों ने। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने आदेश जारी कर रखे थे। पकड़े जाने पर 200 रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान कर रखा था, लेकिन कानून को जमकर चुनौती दी गई, व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली पुलिस रेवेन्यू विभाग और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की टीमों ने कितने लोगों पर एक्शन लिया है, इसके कोई आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। सरकार माथा पच्ची में जुटी है कि आखिर इतने पटाखे दिल्ली में दाखिल हुए कहां से। बहरहाल प्रदूषण रोकने के लिए केजरीवाल सरकार फेल रही। बहरहाल इन सबके बीच दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस समेत ऐतिहासिक स्थलों पर रोशनी की सजावट देखते बनी। और दिल्ली में पॉल्यूशन की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, ये बता रहे हमारे संवाददाता अंशुमन, उनकी रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त रात के करीब 3:30 बज चुका है और यहाँ पर लाइटों के पास जो धुंध है वो वायु प्रदूषण की धुंध है, जिसको आप तस्वीरों से साफ देख सकते हैं। मेरे ठीक सामने कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन है जो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। दूर तक आप नज़र दौड़ाएंगे तब भी जो अमूमन इस समय तक वो साफ झलकता था, दिख जाता था, लेकिन आज प्रदूषण के कारण वो पूरी तरीके से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई दौर की बैठकें हुई हैं, जिसमें यह कहा गया था कि दीपावली पर पटाखे पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन दीपावली बीतने के बाद जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता चला गया, जिसका नतीजा है कि अब लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।